नमो नमो किया। हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं हूं मोमिता एंड वेलकम बैक टू द चैनल वॉयज एंड एक्सप्लोर टू ए न्यू व्लॉग, अ वीकेंड इन माय लाइफ। आज है राधाष्टमी, तो आप सभी को राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के दिन मैंने पूजा नहीं की थी, तो उसी टाइम मैंने सोचा था कि राधाष्टमी पे मैं मेरे लड्डू गोपाल जी और बाल राधा रानी की पूजा करूंगी। अपने मन से कुछ उनको बना के खिलाऊंगी। उनके लिए मैंने ड्रेसेस मंगा रखे थे, तो नए ड्रेसेस उनको मैं पहनाऊंगी और गिफ्ट्स भी मैंने ले रखा था, गिफ्ट्स भी उनको दूंगी। तो आज मैं उनकी पूजा करने वाली हूँ। चाहे कोई भी ओकेजन हो, घर में पूजा हो या तो कोई फंक्शन हो, मैं कुछ एक प्रिपरेशंस पहले से ही करके रखना पसंद करती हूँ, ताकि ओकेजन वाले दिन सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे में मैं कर सकूँ। तो पूजा के लिए भी मैंने कुछ एडवांस्ड प्रिपरेशंस कर ली थी। जैसे एक रात पहले ही मैंने जो पूजा के बर्तन सब है उसको क्लीन करके धो के इस तरह से मंदिर के सामने ही रख लिया है, ताकि वो सूख जाए और मंदिर के अंदर का जो क्लीनिंग है, साफ सफाई है, वो भी मैंने एक रात पहले ही कर दी, ताकि नेक्स्ट डे सुबह उठ के नहा के मैं डायरेक्ट पूजा के काम में लग सकूँ। एक छोटा सा सेटअप भी मैंने यहाँ पे किया है मेरे लड्डू जी और बाल राधा रानी को बिठाने के लिए। मेरा मन तो बहुत करता है कि मैं किसी दिन बहुत सारी चीज़ें बना के अपने भगवान जी को भोग चढ़ाऊं, पर टाइम की कमी की वजह से मैं कर नहीं पाती। कियान छोटा है, मुझे उसे भी अटेंड करना होता है। तो आज बहुत ही सिंपल मैंने रखा है, वैसे तो फ्रूट्स एंड स्वीट्स देके मैं पूजा करूंगी, और साथ में मैं यहाँ पे एक ड्राई फ्रूट्स का हलवा बना रही हूँ, सूजी हलवा, और उसके साथ मैं आज लगाने वाली हूँ दाल पूरी, चना दाल का पूरी। तो यहाँ पे मैं सूजी बना रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स को मैंने घी में पहले फ्राई करके उठा लिया, फिर सूजी को रोस्ट किया है घी में, चीनी डाल के अभी मैं इसे अच्छे से पका रही हूँ, और जब ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें पानी डाल दिया है, और जब ये हलवे का कंसिस्टेंसी ले अच्छे से पक जाए, तो जो ड्राई फ्रूट्स को मैंने रोस्ट करके रख दिया था उसको मैं डाल के अच्छे से पका रही हूँ। तो मेरा जो ड्राई फ्रूट सूजी है वो बनके तैयार है। दाल पूरी बनाने के लिए जो चना दाल है उसको एक रात पहले मैंने भिगो के रख दिया था, अभी सुबह में इसमें थोड़ा सा नमक दे के इसको बॉयल कर रही हूँ। कम्प्लीटली बॉयल नहीं करूँगी, थोड़ा हाफ बॉयल ही करूँगी, 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम में ढक के मैं इस तरह से इसको रख दूँगी। चना दाल कुक होने के बाद मैं इसे मिक्सिंग जार में डाल रही हूँ, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि जो भोग का खाना होता है उसको चख नहीं सकते, तो बस अंदाज से ही डालना होता है। थोड़ा जीरा डाल रही हूँ, अदरक के पीसेस डाल रही हूँ, और ग्रीन चिली डाल के मैं इसको दरदरा पीस लूँगी। मैदा का डो यहाँ पे बनके तैयार है, बहुत ही सॉफ्ट डो बना है यहाँ पे, और जो ये चना दाल है ये देखिए एकदम दरदरा पीस चुका है, सूखा, बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है इसमें। और यहाँ पे मैंने डाला है चॉप्ड धनिया पत्ता, और इसको अच्छे से मिक्स करके एक मिक्सचर बना रही हूँ। तो यहाँ पे दाल पूरी बनने वाली है, सरस्वती का हेल्प लिया है मैंने यहाँ पे, क्योंकि जो ये स्टफिंग करके बेलने का प्रोसेस है वो मुझे थोड़ा सा टफ लगता है। तो पूरी बनाने जैसे मैदा को बेल लिया है, और स्टफिंग इस तरह से डाल के इसका मुंह अच्छे से बंद करके एकदम हल्के हाथों से इसको ऐसे पूरियों के तरह ही बेल लिया है, और फिर तेल में इसको डीप फ्राई कर रहे हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक इसे डीप फ्राई किया जाएगा। देखिए बहुत ही सुंदर से ये फ्राई हो रहे हैं, बिल्कुल भी टूटा नहीं है और फूले भी हैं। तो मेरे जो ये दाल पूरी है वो भी बनके तैयार है। अभी मैं मेरे भगवान जी को नहलाने के लिए सारी तैयारियां कर लूँगी। तो एक बाउल में मैंने लिया है चीनी, या फिर बूरा भी आप ले सकते हैं, थोड़ा सा घी लिया है, शहद लिया है, कच्चा दूध लिया है और दही लिया है। इसमें मैं ऐड करूंगी गंगा जल, और इसका एक मिक्सचर बना के मेरे लड्डू जी को और राधा रानी को इसी से मैं स्नान कराऊंगी, और फिर मैं प्लेन पानी से उनको अच्छे से नहला दूंगी, ताकि जो मिक्सचर है वो उनके ऊपर ना लगा रहे।
और अभी अच्छे से उनको नहला देने के बाद अब बारी आती है उनके श्रृंगार की। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मेरे लड्डू जी और बाल राधा रानी के लिए मैं कुछ गोल्ड का बना के दूँ उनको गिफ्ट, तो इस बार मैंने उनके लिए बनाया। जुलाई महीने में ही मैंने बना के गिफ्ट रख लिया था। तो बाल राधा रानी मेरी बहुत छोटी है, तो उनके लिए ये गोल्ड की बिंदी जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था उनके फेस पे। और कृष्णा जी के लिए मैंने बांसुरी बनाने दिया था गोल्ड की, तो वो भी बनकर तैयार ही थी मेरे पास, तो वो भी आज ही मैंने उनको दे दी। रक्षाबंधन में हर साल मेरे कान्हा जी को मैं राखी पहनाती हूँ, इस बार नहीं पहना पाई, तो जो राखी मैंने उनके लिए लिया था वो मैं यहीं पे रख रही हूँ और जो पूजा है वो स्टार्ट कर रही हूँ अभी। तो जिस तरीके से मुझे अच्छा लगता है पूजा करना, मैं उसी तरीके से पूजा करती आई हूँ पहले से, जैसे मेरी माँ करती है। और हर साल कुछ ना कुछ नया मैं सीखती हूँ, करने की कोशिश करती हूँ। पता नहीं पूरा नियम सब कुछ फॉलो करके मैं कर पाती हूँ कि नहीं, पर पूरे मन से पूरे निष्ठा से मैं पूजा करती हूँ। और मुझे लगता है कि आप भगवान को जिस तरह से भी पूजा करो, अगर आपका भाव सच्चा हो और उनके प्रति आपका जो निष्ठा है वो अगर सही हो, तो वो उसी से खुश हो जाते हैं। और इसमें भी अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाती है तो मैं उन्हीं से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेती हूँ। पूजा हुआ? क्या पूजा हुआ? कृष्ण भगवान। तुम नमो नमो किया और प्रसाद खाया है? कौन सा प्रसाद अच्छा लगा बोल तो? इधर में मीठी मीठी, ओ ये वाला जलेबी, ठीक है बाबा। रेडी, 1, 8, 2, 3। आज सुबह से ही मौसम क्लाउडी था और अभी दोपहर का टाइम है, पूरा बारिश स्टार्ट हो गया है। पूजा हो गई मेरी बहुत अच्छे से और प्रसाद भी मैंने ले लिया और सबको प्रसाद बांट भी दिया, क्योंकि प्रसाद बांटने से भगवान खुश होते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है संडे और आज मेरा तबीयत थोड़ा सा डाउन है और पूरा दिन बस ऐसे घर में रह के ही गुजरा। शाम के टाइम में हम थोड़ा सा निकले मार्गेरिटा के तरफ, वहाँ पे एक मेला लगा है और क्यान को लेके हम वहीं पे गए। आज मार्केट जाने का या फिर जो वीकली बाजार हम करते हैं उसका कुछ ऐसा था नहीं करने के लिए, तो हम डिगबॉय की तरफ नहीं गए। मार्गेरिटा में इंडिया क्लब का जो फील्ड है वहाँ पे मेला लगा है बहुत दिन से, तो आज फाइनली हम आए हैं कियान को लेके। पर बारिश की वजह से पूरा चारों तरफ कीचड़ था, तो कियान को गोद में ही रखना पड़ा, वो उतर नहीं रहा था गोद से। और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी आज, तो वो कोई भी राइड एंजॉय नहीं कर पा रहा था। तो थोड़ा बहुत
हम घूमे इधर उधर और इस बार कुछ नई नई चीजें हमने मेले में ट्राई भी की, जैसे स्मोक बिस्किट और स्पाइरल पोटैटो, जो बहुत अच्छा लगा, कियान ने भी एंजॉय किया। और वहीं पे एक स्टॉल भी लगा था, फूड स्टॉल लगा था, वहाँ पे हमने कुछ फास्ट फूड्स वगैरह ट्राई किए और फिर हम घर वापस आ गए। द फेमस स्पाइरल पोटैटो। तो गाइस, कुछ इसी तरह से हमारा जो वीकेंड है वो इस बार गुजरा है, एंड आई होप ये वाला वीकेंड ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग या वीडियो के साथ। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ।